saiyo. सरकार, मैंने आपसे कहा था मुझे बात करने दीजिए, आपने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। और रही बात साईं और आपकी व्यक्तिगत लड़ाई की, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इन छोटी मोटी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं यहाँ बड़े और बेहतर काम करने आया हूँ। महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। हाँ, सुना है कि आप कोई नगर बसाना चाहते हैं प्रेम नगर नाम से। ये नगर बसाने में हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। इस नगर को बसाने के लिए हम आपको जमीन दिलवा सकते हैं। अंग्रेज सरकार के बड़े अफसरों के साथ हमारे बड़े गहरे संबंध है, तो उन बड़े अफसरों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रेम सेना का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें हमने किसी लालच से नहीं बुलाया बल्कि प्रेम से बुलाया। वैसे आपको कोई काम पड़े तो बताइएगा, लेकिन हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। हरिओम हरिओम। देख लिया बलवंत जी, हर तरह से सोचने का परिणाम। हरिओम हरिओम। शिरडी के हमारे पहले प्रेम सैनिक मिल गए। एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीन से भले चार। साईं से भी मांग लिया, हनुमान जी से भी प्रार्थना कर ली, लेकिन पता नहीं कब हमारी मुश्किल सुलझेगी। मुझे साई पर भरोसा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो सीधे सीधे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ये श्रद्धा और सबूरी से क्या होगा, और कब तक हम इंतजार करेंगे? मुझे तो डर है कि इंतजार करने में ही कहीं मैं चल बसी तो भाग्यश्री की शादी कैसे होगी, या फिर इसकी उम्र निकल गई तो इसे शादी कौन करेगा? मल्हार, क्या बात है, कोई खजाना लूट के लाए हो क्या? हाँ दोस्त, समझो कि दुनिया का हर खजाने से भी बड़ा खजाना एक सच्चे गुरु के रूप में। सच्चे गुरु मतलब साईं? नहीं, साई नहीं तो फिर कौन? साई अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी देने में एक तो बहुत इंतजार करवाते, कुछ मांगो तो श्रद्धा और सबूरी कह देते हैं, और ऊपर से खुद ही मेहनत करवाना चाहते हैं। उन्होंने तो मुझे ये तक भी कह दिया था कि मेरी बांसुरी के सुर अच्छे नहीं है, मुझे और अभ्यास की जरूरत है। ये सुनकर मुझे तो अपने ऊपर से विश्वास ही हट गया था, लेकिन फिर मुझे सतेश्वर महाराज मिले। उन्होंने मेरी प्रतिभा को एकदम से पहचाना और मुझे अपनी सेना में बांसुरी वादक बन जाने के लिए आमंत्रित किया। अब वो मुझे बड़े बड़े अफसरों और व्यापारियों के आगे बांसुरी बजाने का मौका देंगे और मेरी कला को देश भर में पहुंचाएंगे। ये सतेश्वर महाराज कल ही शिरडी आए और इतनी जल्दी तुम्हें अपना शिष्य भी बना लिया? यही तो उनकी खासियत है काकी, वो अपने शिष्यों को गुरु की तरह नहीं दोस्त की तरह मानते हैं।
उन्होंने मेरा स्वागत ये सोने की माला और ये रेशमी वस्त्र देकर किया और ये बांसुरी भी दी। वो सबका स्वागत ऐसे ही करते और इतनी खुशी खुशी जैसे कि हम सब उन पर कोई एहसान कर रहे हो। महाराज मुझे आपसे अनुमति चाहिए। इसलिए? मेरी बहन की शादी है अगले हफ्ते। मैं घर जाकर उसकी शादी में रहना चाहता हूँ। शादी होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद करो प्रेम सेना में आते वक्त तुमने ये प्रतिज्ञा ली थी कि तुम अपने पुराने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर यहां आए हो, और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले को भगवान पसंद नहीं करते हैं। अब ये सारे सैनिक ही तुम्हारा परिवार है, यहां सब तुम पर विश्वास करते हैं, इस बात को मानते हैं कि तुम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। प्रतिज्ञा और भरोसा तोड़ना बुरी किस्मत को न्योता देने समान है। आओ मेरे साथ। आप सब खुद मेरे साथ चलकर देख लीजिए, वो आप सबका कष्ट दूर कर देंगे। नहीं नहीं मल्हार, साई को हम हमेशा से अपना गुरु मानते आए हैं, उनके सिवा किसी और के पास जाना ठीक नहीं लगता। गुरु मानना तो दूर की बात है। राजकिरण, मैं कौन सा तुम्हें साई को त्यागने के लिए कह रहा हूं। मैं खुद साई को मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा, लेकिन अगर कहीं बाहर जाकर तुम्हारा भला हो रहा हो तो क्या साई मना करेंगे? सीधी बात है, साई कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, वो तो हम सभी रखते हैं, और हो सकता है कि सतेश्वर महाराज उसी श्रद्धा और सबूरी का फल हो। एक बार उनके पास जाने में क्या हर्ज है? चलने में तो कोई बुराई नहीं है, क्या पता हमारा काम बन जाए। हाँ तो कल सुबह चलते हैं उनसे मिलने। हाँ बहुत अच्छा रहेगा, मैं उन्हें बता दूंगा। जी चलता। बता देना। इन्हें देखो, ये वो सैनिक हैं जो हमें छोड़ कर गए थे, कुछ थोड़े दिनों के लिए और कुछ हमेशा के लिए, लेकिन इनके घर पहुंचने से पहले ही इनकी किसी हाथ से या किसी और कारणवश मृत्यु हो गई। काश मैंने इन्हें रोक लिया होता या मैं इनके साथ चला गया होता, मैं इनकी मृत्यु का कारण अपने आप को मानता हूं। लेकिन शास्त्रों में भी यही लिखा है, प्रतिज्ञा और भरोसा तोड़ने वाले के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, क्योंकि ऐसा करना पाप माना गया है। देखो तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन नहीं नहीं गुरुजी, मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। जल्दबाजी में हम अक्सर ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ऐसी राह चुन लेते हैं जहां हमें नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।
जिस भी राह पर चलना, अच्छे से देख कर चलना, सोच समझ कर। ईश्वर करे तुम्हारे बिगड़े काम तुरंत बन जाए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जीवन में श्रद्धा और सबूरी के महत्व को कभी कम मत समझना। हर उलझन से बाहर आने के लिए श्रद्धा और सबूरी दोनों ही तुम्हारी ताकत हैं और जरूरी हैं। राम जी भला कर। अरे वाह, वहां तो पकवान बने हैं। खाने की खुशबू से पूरी द्वारका माई भर गई है और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई। हाय सामा, अच्छा हुआ आप खाना ले आए। मेरी भूख तो माँ के हाथ के बने खाने से ही मिटती है। तो फिर ये किसके लिए? क्या ये जरूरी है पायसामा कि हमेशा माता पिता ही बच्चों को खिलाएं? बच्चों का भी तो मन होता है ना अपने माता पिता को अपने हाथों से खिलाने का। भाकरी और बैंगन का भरता पसंद है ना? ऐसा नहीं है बेटा, मेरी आंखों को भले ही ना दिखे पर मेरा मन सब देख सकता है। बोल ना बेटा, क्या बात है? नहीं आई, तुम गलत सोच रही हो। सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, इतनी अच्छी नौकरी है, आप सबके साथ रह रहा हूँ, और मुझे क्या चाहिए? ये लो और एक रोटी खा लो। बेटा केवल, तेरी आंखें क्यों भरी है? बेटा कोई तो बात है जो तू हमसे छुपा रहा है, पता ना बेटा क्या बात है? बोल बेटा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो। केवल केवल बेटा, अभी भी बहुत खाना बचा है, क्या कोई और खाने पे आने वाला है? भाई सामा,
आप खुशकिस्मत हैं कि आपको प्यार करने वाला एक भरा पूरा परिवार मिला है, लेकिन आज भी गांव में ऐसे माता पिता हैं जिनके बुढ़ापे का सहारा कहीं खो गया है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन आप जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। आई साई, प्रेम सेना की वजह से हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए। अगर राम जी ने आपके बेटों को कुछ समय के लिए दूर भेजा है तो इस बेटे को पास भी तो बुलाया है। सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बांराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन आशा के दीपक। आपका ये बेटा आपके लिए खाना लाया है, सुबह अब तो खाएंगे न? रात समझाए साईं 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 साईं। जब इंसान बचपन से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर रहा होता है तब इस संसार में अपनी जगह, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है और उसके लिए अधीर होता है, और यही अधीरता उसके भटकाव का आधार बन जाती है। आपके बेटे भी ऐसे ही उम्र से गुजर रहे हैं। ये सब उस सतेश्वर की गलती है, बच्चों को अपने परिवार से दूर कर रहा है। पर ये लड़के कोई ऐसे नहीं है जिनके मन में पहले से ही आध्यात्मिक भावना हो, वैराग्य आ गया हो, जैसे बड़े बड़े साधु महात्माओं के साथ होता था। वो सतेश्वर बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें वो प्रेम नगर का सपना बेच रहा है जहां उनके सपने पूरे होंगे। साईं, मुझे बहुत डर लग रहा है अपने बच्चों के लिए, कुछ करिए साईं, उन्हें दिशा दीजिए, भटकने से बचा लीजिए साईं। सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जो भटका है वो लौट आएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य रखना छोड़ो, धैर्य रखने वाला कुछ हासिल नहीं कर पाता है। कुछ पाना है तो उसके लिए कोशिश करो और करके दिखाओ। बैठे रहोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। बचपन से हमें कहा जाता है, जो भी हो चुपचाप सह लो, आम आदमी हो, थोड़ा बहुत तो सहना सीखो। यही सब बातों से हमें हर तरह के अन्याय को सहन करने के लिए तैयार किया जाता है। मनहूस है आपकी लड़की, मांगले कहेगी, जिस घर में जाएगी पति को खा जाएगी, और मुझे अपना बेटा प्यारा है। आपका बेटा प्यारा है तो रहे, लेकिन हमारे घर में आके मेरे आई के साथ चुप चुप। चलो बेटा सुनिए, क्या किया तूने? वैसे भी तेरी कुंडली के कारण कोई रिश्ता नहीं आता, और ऐसे में तू जुबान लड़ाएगी तो हो गई तेरी शादी। मुझे तो बड़ा व्यापार करना है। आज तक छोटा व्यापार भी नहीं किया कभी, बड़ा व्यापार कैसे संभालेगा? छोटे धंधे से चालू करो।
अरे भाई मैं कितनी बार तुम समझाया, ऐसे खिलौनों का जमाना गया, आजकल मशीन से बनी हुई चीजों का जमाना है, सुंदर सस्ती और टिकाऊ। बेहतर होगा कि तुम दूसरा काम देख लो, और तुम्हारे खिलौने में अपनी दुकान में रखकर जगह घेरना नहीं चाहता हूँ। मैं कहता हूं जागो, धैर्य रखना छोड़ दो, सहन करने वाले लोग कमजोर होते हैं, और जो अपने विवेक पे चलते हैं, जो अपने फैसले खुद लेते हैं, जो अपनी मन की सुनते हैं, वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। सहोगे तो और सताए जाओगे। क्या ये एक जीवन तुम दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में बेकार कर दोगे? सोचो और अपने मन से पूछो, क्योंकि मन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। बोलो सतेश्वर महाराज की जय।